पा रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम ये कैसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसके लिए मेरे पास, किस्मत से कहिए या फिर बदकिस्मती से कहिए, मेरे पास एक करप्ट एसडी कार्ड है और मैं इसे रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं अपना एसडी कार्ड अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एसडी कार्ड इसके अंदर इंसर्ट किया, मेरे पास एक एरर मैसेज आ गया है टू फॉर्मेट द डिस्क। तो ये दोस्तों इसे फॉर्मेट करके देखते हैं और देखते हैं होता क्या है। जैसे आप फॉर्मेट करेंगे आपके सामने फॉर्मेट का विजार्ड आ जाएगा। जैसे कि विजार्ड आ गया है, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं विंडोज़ ने मुझे फिर से एरर दे दिया, विंडोज़ वॉज अनेबल टू कम्प्लीट द फॉर्मेट, यानी कि विंडोज़ मेरे इस एसडी कार्ड को फॉर्मेट नहीं कर पा रहा है। अगर आप अपने एसडी कार्ड को माई कंप्यूटर पे जाके देखते हैं, जैसे मैं स्टार्ट पे जाऊं और माई कंप्यूटर पे जाऊं, तो आप देखेंगे आपके जो एसडी कार्ड है उसका यहाँ पर साइज़ भी नहीं आएगा या फिर साइज़ यहाँ पर गलत आएगा। और अगर आप अपने एसडी कार्ड को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ओपन नहीं होगा, वहाँ पे फॉर्मेट या फिर कोई और एरर आएगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट डिस्क का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है मेरा एसडी कार्ड करप्ट है। तो आइए इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रिपेयर करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट पे जाएंगे और इसके बाद टाइप करेंगे हम CMD। आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आप इस पर लेफ्ट क्लिक ना करें, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे और आपसे परमिशन मांगा जाएगा, आप यस पे क्लिक करें। अगर आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं किया है तो आपसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जा सकता है। और मैं यहाँ पर जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वो आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही रन करें। दोस्तों घबराए नहीं, ये कोई मुश्किल कमांड नहीं है और जो भी कमांड मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, तो आप वहाँ से भी इस कमांड्स को देख सकते हैं। अब जिस यूटिलिटी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस यूटिलिटी का नाम है डिस्क पार्ट, और सबसे अच्छी बात है कि ये विंडोज़ के साथ आता है तो आपको कुछ भी अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करूंगा, सबसे पहला कमांड वो है डिस्क पार्ट DISKPART और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये वन वर्ड कमांड है, एक शब्द कमांड है ये। इसके बाद आप डिस्क पार्ट यूटिलिटी के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद सबसे पहला कमांड जो हम टाइप करने वाले हैं वो है लिस्ट डिस्क, यानी कि हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर पे कितने डिस्क अभी अटैच्ड हैं। लिस्ट डिस्क टाइप करके आप एंटर प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पर अभी दो ड्राइव हैं, एक है डिस्क जीरो और एक है डिस्क वन। डिस्क जीरो का साइज़ है 465 GB और डिस्क वन का साइज है 8 GB। तो यहाँ पर आपको अपने एसडी कार्ड का साइज मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप साइज के हिसाब से ही आप पता लगा पाएंगे कौन सा डिस्क आपका एसडी कार्ड है। तो मुझे पता है कि 500 GB का मेरा हार्ड ड्राइव है इस कंप्यूटर का और 8 GB का मेरा एसडी कार्ड है, तो इसलिए डिस्क वन मेरा एसडी कार्ड है। और सही डिस्क चुनना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हो सकता है अपने किसी और डिस्क को खराब कर दें, इसलिए यहाँ सही डिस्क चुनना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर डिस्क सेलेक्ट करने का कमांड टाइप करेंगे और वो है सेलेक्ट डिस्क वन, क्योंकि मेरा यहाँ पर एसडी कार्ड डिस्क वन है इसलिए मैंने सेलेक्ट डिस्क वन यहाँ पर टाइप किया है। अगर आपके पास मल्टीपल डिस्क हैं तो जो सही डिस्क नंबर है आप वही सेलेक्ट करें। हो सकता है कि आप एक साथ कंप्यूटर पर 2-3 एसडी ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव आपने अटैच किया हुआ है तो वहाँ डिस्क नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, तो सही डिस्क ही सेलेक्ट करें। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ दो डिस्क है, एक कंप्यूटर का इंटरनल हार्ड ड्राइव जो कि 500 GB का है और एक एसडी कार्ड जो कि 8 GB का है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट डिस्क वन टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा, मेरे पास मैसेज आएगा डिस्क वन इज नाउ सेलेक्टेड डिस्क। इसके बाद मैं कमांड टाइप करूँगा क्लीन और एंटर प्रेस करूँगा, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीन द डिस्क। क्लीन कमांड शायद एक बार में ना चले तो आप इसको एक से ज़्यादा बार ट्राई कर सकते हैं या दो या तीन बार ट्राई कर सकते हैं, दो या तीन बार में ये कमांड चल जाना चाहिए। अब डिस्क क्लीन करने के बाद हम यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पार्टीशन क्रिएशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इस पार्टीशन को एक्टिव करेंगे, इस पे इसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे एक्टिव और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पार्टीशन एक्टिव हो चुका है। अब हम इस एसडी कार्ड को फॉर्मेट करेंगे। एसडी कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए हमें पार्टीशन सेलेक्ट करना है
और हम यहाँ पार्टीशन सेलेक्ट करने के लिए कमांड टाइप करेंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1 और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पार्टीशन 1 इज नाउ सेलेक्टेड पार्टीशन। अब बारी आती है एसडी कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए। फॉर्मेट करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे फॉर्मेट FORMAT और स्पेस देंगे और फिर टाइप करेंगे FS और बिना स्पेस दिए इक्वल टू टाइप करेंगे और टाइप करेंगे फाइल सिस्टम का नाम यानी कि FAT FAT32। FS है फाइल सिस्टम और इक्वल्स टू FAT32 यानी हम बता रहे हैं सिस्टम को यहाँ पर कि हमें इस SD कार्ड को FAT32 सिस्टम में फॉर्मेट करना है। जो मैक्सिमम SD कार्ड और फ्लैश ड्राइव है वो FAT32 में ही फॉर्मेट होते हैं, तो हम यहाँ पर FAT32 यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्मेट स्पेस FS इक्वल्स टू FAT32 टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करें। अब आपका फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेट होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को भी पॉज करूंगा और जैसे ही फॉर्मेट कंप्लीट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही आपका फॉर्मेट कंप्लीट होता है, अगर आपका SD कार्ड या फिर फ्लैश ड्राइव रिपेयर हो जाता है तो आपके सामने ऑटो प्ले का ऑप्शन भी आ जाता है। और अब आपका SD कार्ड या फिर फ्लैश ड्राइव रिपेयर हो चुका है, आप इसे ओपन कर सकते हैं यहाँ ओपन पर क्लिक करके, या फिर आप कंप्यूटर में जा करके आप यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अब यहाँ पर आपके जो SD कार्ड है उसका साइज़ भी शो हो रहा है। आप इसे ओपन करके आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक फाइल यहाँ पर अपने SD कार्ड में कॉपी करके देखता हूँ और मैं SD कार्ड में पहुँच कर यहाँ पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फाइल पेस्ट कर दिया है, यानी कि मेरा SD कार्ड बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही टिप्स ट्यूटोरियल्स और साइंस और फिक्शन की बातें आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।